सरकार की टूट नीतियों को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब इनको वोट लेना होता है तो आप सबको हिंदी के माले में बांटने का काम कर लेते हैं, और जब न्याय देना होता है तो एसटी एबीसी आदिवासी के बच्चे हो जाते हैं। सबका राय उनके ऊपर कार्रवाई वो सरकार नहीं कर रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इस बहन को हमारी कब न्याय देगी आपकी प्रशासन? आप प्रधान सेवा था हिंदुस्तान के, कब न्याय देंगे मणिपुर वाले को? हनन करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो न्याय के लिए बैठी थी, दिग्भूषण धर्मेंद्र जैसे के खिलाफ जो शोषण करता था, जिसके ऊपर पोक को हाथ लगाया गया था, लेकिन ये सरकार उसको भी बचाने का काम। अगर एक मुसलमान भाई जीता है तो उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? ये बीजेपी एनडीए के जो सांसद है, मंत्री है, और यही आग्रह करूंगा कि भाई कभी भी कोई ऐसी घटना और ऐसा कोई दुर्घटना होता है तो भाई साथ दें, हम एक साथ होंगे तभी किसी चीज से जीत पा पाएंगे, क्योंकि हमारे को एक साथ होके चलना बहुत जरूरी है। एक साथ होके चलने का मतलब एक दूसरे की बातों को भी मानना, कि जहां भी हमारा संगठन जो भी है, हम जो काम करते हैं उसको हम दिखा सकें कि हम सबका राय उनके ऊपर कार्रवाई वो सरकार नहीं कर रही है। आज 31 दिन हो गया, उस सरकार की टूट नीतियों को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब इनको वोट लेना होता है तो आप सबको हिंदी के माले में बांटने का काम कर लेते हैं, और जब न्याय देना होता है तो एसटी एबीसी आदिवासी के बच्चे हो जाते हैं। हमने मई में 28 मई के वो काला दिन जो आज भी याद है, जिस दिन संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हक था, लेकिन वहां भी महिला का हनन करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो न्याय के लिए बैठी थी, दिग्भूषण धर्मेंद्र जैसे के खिलाफ जो शोषण करता था, जिसके ऊपर पोक को हाथ लगाया गया था, लेकिन ये सरकार उसको भी बचाने का काम। और 28 मई के दिन उनको उठाकर जंतर मंतर की धरती से घसीट कर फेंकने का काम वो दिल्ली पुलिस ने किया था, वो मोदी सरकार की तानाशाही ने किया था। आज बहन हमारी 31 दिन से विद्यालय के सामने बैठी है, क्या हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा है? इस विषय पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। हमें एक साथ आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी, ये तानाशाही सरकार को जगाना पड़ेगा, जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। और 2024 का चुनाव आ रहा है, मैंने राजस्थान में एक स्पीच प्रधानमंत्री मोदी जी का सुना, मोदी है तो गारंटी है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इस बहन को हमारी कब न्याय देगी आपकी प्रशासन? आप प्रधान सेवा था हिंदुस्तान के, कब न्याय देंगे मणिपुर वाले को?
सब नाम मिलेगा हमारी देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को। आपसे न्याय की अपेक्षा देश के लोग अब नारी करे तो अच्छा है। वो सरकार बदलनी पड़ेगी हमें कि हमने 2014 से और 2023 तक ये देखा है। अगर एक मुसलमान भाई दिखता है तो उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? एक बीजेपी एनडीए के जो सांसद है, मंत्री है, विधायक है। अगर कोई सरदार भाई दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? खालिस्तानी। तो इन नफरत से हमें अपने बच्चों को दूर करना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर आज हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने बच्चों का भविष्य बरकरार कैसे करेंगे? और मेरा लास्ट में फिर मैं निवेदन करूंगा अपने राहुल जी से, हमारे राहुल प्रियंका गांधी सेना का मैं उत्तर प्रदेश सचिव और राष्ट्र प्रवक्ता हूं। मैं माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, कृपा यहां पर आए और रीति जी का हौसला बुलंद करे। और राहुल गांधी जी अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारी बहन प्रियंका जी जो नारा देती है, लड़की हो लड़ सकती है, आज मोदी सरकार को किला घेरने की काम करती है। और हमें दर्द है कि आज देश को एक नया दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है, एक विश्वास के साथ। और वही विश्वास हमारी बहन को भी मिलना चाहिए। ये मेरा राहुल गांधी जी से अनुरोध है। मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।